मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र बढ़ा देता है। वाह वाह वाह। मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र बढ़ा देता है। खिलने को तो रोजाना ही फूल हजारों खिलते हैं, पर माली आप जैसा हो तो गुलशन की उम्र बढ़ा देता है। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। लोकतंत्र के अर्थ को आप अपने मन में किस तरह से गुनते हैं? हमने कहा प्रीता जी, लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें बहुत सारे बकरे मिलकर अपने हिस्से के कसाई को खुद ही चुनते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से बहुत खूब वो गुलशन है जिसके पुष्प सारे देश में अपनी गंध से पूरे देश को महका रहे हैं जी। और सबसे जरूरी यह है कि मैं चार पंक्तियां यूं पढ़ूं कि मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है। अच्छा, मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र बढ़ा देता है। वाह वाह वाह। मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है, जैसे साया किसी वृक्ष का आंगन की उम्र बढ़ा देता है। खिलने को तो रोजाना ही फूल हजारों खिलते हैं, पर माली आप जैसा हो तो गुलशन की उम्र बढ़ा देता है। अरे शुक्रिया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बधाई देता हूँ मैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, मेरे इस तारीफ के लिए, जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। लेकिन उम्र बढ़ा देने पे, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे अचानक कोई शेर याद आ जाता है। गोपाल गर्ग एक शायर हैं अजमेर के, और मेरे ख्याल से मानवीय मनोविज्ञान पे मैंने इससे बढ़िया कोई शेर नहीं सुना। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए इतना बढ़िया शेर कहा है कि मिलके भी तू क्या देता है, दिल का बोझ बढ़ा देता है। बहुत अच्छा। मिलके भी तू क्या देता है, दिल का बोझ बढ़ा देता है, और अपना कोई आंसू पोंछे ये सुख और रुला देता है। वाह, बहुत अच्छा। क्या सुनाइए जी, व्यंग की चार पंक्तियां जी, उससे चालू करता हूँ। स्वागत है। मैंने एक एमपी से कहा, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ मैंने एक एमपी से कहा, भाई साहब आप हर वक्त भाईचारा बताते हैं, तो जब देखो तब ये चारा क्यों खाते हैं? आप इस तरह सारे देश को धोखा दे रहे हैं, क्यों बार बार विरोधियों को बोलने का मौका दे रहे हैं? वो बोल रहा है, भैये हम कोई गुलाम नहीं है आपके, हम ठेरे वंशज महाराणा प्रताप के। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हम कोई गुलाम नहीं है आपके, हम ठेरे वंशज महाराणा प्रताप के। अरे हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो लोग जाने क्यों एतराज जताते हैं। वे भी एमपी थे महाराणा प्रताप, घास खाते थे, हम भी एमपी हैं, हम चारा खाते। अरे बहुत। वे भी एमपी थे, घास खाते थे, हम भी एमपी हैं, हम चारा खाते हैं। इन विरोधियों का क्या है, ये तो जबरन के ऑब्जेक्शन उठाते हैं। भाई साहब हम तो वो चीज खा रहे हैं जो कम वक्त गधे भी नहीं खाते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम तो वो चीज खा रहे हैं, बढ़िया, अच्छा अच्छा, बढ़िया, जो कम वक्त गधे भी नहीं खाते। और एक व्यंग देखिए कि अपने 25 बरस का अनुभव हमें ये बताता है, हाँ, कि अपने हाथ की फेंकी हुई रोटी कुत्ता भी नहीं खाता है। अच्छा, मैंने कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंका, कुत्ते ने 5 मिनट तक तो उसे सूंघा, 10 मिनट तक गौर से देखा, फिर भोभो करके उसने दूसरे कुत्ते को बुलाया। मामला अपनी समझ में नहीं आया। मैंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, यार क्या कुत्तों में भी कायम लोकतंत्र होता है? कुत्ता गंभीर स्वर में बोला, भाई साहब आदमी के हाथ की तो फेंकी हुई रोटियों में भी षड्यंत्र होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भी बोला, भाई साहब आदमी के हाथ की तो फेंकी हुई रोटियों में भी षड्यंत्र होता है। जहां आदमी एक टुकड़े के लिए अपना हाथ दूसरे आदमी के हलक के पार कर सकता है, उसके फेंके हुए एक टुकड़े पर कोई कुत्ता कैसे एतबार कर सकता है? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, कैसे एतबार कर सकता है? हम आजकल टुकड़ों की राजनीति में नहीं उलझते हैं, हम भी कुत्ते हैं साहब, हर आदमी की कुत्ता ही समझते हैं। हाय 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 हाय, हम भी कुत्ते हैं, हर आदमी की कुत्ता ही समझते हैं, क्योंकि आदमी अपनी खुशी से एक रोटी का टुकड़ा भी यदि कहीं फेंकता है तो यकीन जानिए साहब वो टुकड़े की आड़ में न जाने कितनी रोटियां सेकता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत के कविता और प्रीता मामला बना बनाया है थोड़ा सेट जी। तो प्रीता जी पूछ रही थी कि लोकतंत्र के अर्थ को आप अपने मन में किस तरह से गुनते हैं। हाँ,
लोकतंत्र के अर्थ को आप अपने मन में किस तरह से गुनते हैं। हमने कहा प्रीता जी, लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें बहुत सारे बकरे मिलकर अपने हिस्से के कसाई को खुद ही चुनते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें बहुत सारे बकरे मिलकर अपने हिस्से के कसाई को खुद ही चुनते हैं, खुद ही चुनते हैं, उसके बाद में रोते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर नाना प्रकार के इल्जाम लगाते हैं, फिर वो सफाई देता है, धीरे से कहता है मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारी हूँ ऐसा मैंने सुना है, मगर माफ करना दोस्तों, और किसी ने नहीं, मुझे आप ही ने चुना। बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी ने नहीं, मुझे आप ही ने चुना है। तो एक महिला ने अच्छा एक नेता का सर फोड़ दिया। ये आक्रोश जी, एक महिला ने एक नेता का सर फोड़ दिया, नेता खून से लथपथ हो गया, मामला अदालत को गया। अच्छा, नेता खून से लथपथ हो गया, मामला अदालत को गया। जज साहब बोले, री भाई तूने तो गजब ही कर दिया, नेता को पूरा खून से लथपथ कर दिया। महिला बोली, हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नाम बसंती है। अच्छा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नाम बसंती है, और ये रोज नेता मेरे घर के सामने से निकलता और गाना गाता, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने बर्दाश्त किया, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने इसका चोला रंग दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।